हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर रूबी होम्योपैथिक रेमेडी में। तो क्या आपके भी दाढ़ी से बाल गिर रहे हैं या आईब्रो से बाल गिर रहे हैं? तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली मेल के लिए है, यानी पुरुषों के लिए है जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, साथ में उनके आईब्रो से भी बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे स्पॉट से आईब्रो से बाल निकल जाते हैं। या उन लोगों को भी जिनके दाढ़ी से, बियर्ड से यानी बाल झड़ते हैं, एक स्पॉट से दाढ़ी से बाल चले जाते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में आपको इस मेडिसिन को यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी से बाल गिरेंगे तो आपको इस मेडिसिन को यूज नहीं करनी है। अगर सिर्फ दाढ़ी से भी बाल गिरते हैं तभी भी इस मेडिसिन को यूज करनी है। सिर्फ आईब्रो से बाल गिरते हैं उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन के यूज करनी है। और अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तभी भी इस मेडिसिन को यूज करनी है। या उन लोगों को सिर्फ दाढ़ी से और आईब्रो से ही बाल जा रही है तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हेयर फॉल भी होंगे, दाढ़ी से बाल भी जाएंगे और आईब्रो से भी जाएंगे। अगर सिर्फ दाढ़ी से जा रहे हैं तभी भी इस मेडिसिन को यूज करनी है, आईब्रो से जा रही है तभी भी इस मेडिसिन को यूज करनी है, और हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस मेडिसिन को यूज करनी है, या तीनों कंडीशन में भी आपको यूज करनी है। तो आप सभी इस मेडिसिन को यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बस आप सभी को थोड़ी सी टाइम देनी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आपको हेयर फॉल के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल के क्या क्या कॉज है, कौन कौन से ऐसे कारण की वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, और या किस टाइप के आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपकी हेयर फॉल जो हो रही है वो गुच्छे में जा रही है कि या स्पॉट में जा रही है, कहीं से भी आपकी हेयर फॉल जा रही है, तो पूरी डिटेल्स में एक हमारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसको आप सभी एक बार जरूर डिटेल्स में देखिए। या उन लोगों के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जो चाहते हैं कि घर पे ही कुछ वैसा तेल बनाएं और मेडिसिन, घर पे मेडिसिन लाकर तेल बनाएं और उसको अपने हेयर पे, स्काल्प पे अप्लाई करें, जिससे उनको बहुत सारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जैसे उनके डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, दो मुंहे बाल है उसकी प्रॉब्लम, या फिर से बाल रीग्रो करे, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, तो उसको भी आप सभी एक बार जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर दूंगी। तो आगे हम लोग जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन है, कितने डोज में यूज करनी है और कितने पोटेंसी में यूज करनी है। तो दोस्तों, आप सभी को सिलेनियम 200 यूज करनी है। तो आप सभी सिलेनियम 200 को दिन में दो बार लीजिएगा, दो बूंद सुबह, दो बूंद शाम। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो।